राकेश हाँ हाँ ठीक है रोल ओके। सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू। आपकी मच अवेटेड मूवी आ रही है रवीना टंडन के साथ मात्र, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मात्र एक मदर और डॉटर के रिलेशनशिप पे बेस्ड फिल्म है। इसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसमें मदर और डॉटर दोनों पे रेप अटेम्प्ट होता है और एंड द डॉटर पासेज अवे। मैं इसमें रवीना जी का जो कैरेक्टर है उनका हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ एंड आई एम प्लेइंग समवन हु इज़ टिपिकल वाइट कॉलर्ड गाय, मतलब बीवी है बेटी है। लेकिन इस हादसे के बाद ये बंदा जो है अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, हालांकि उसे करना चाहिए बट वो नहीं करता है उसे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत वीक कैरेक्टर है, बिकॉज मतलब हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ पे एक मैरिज का सवाल है या एक फैमिली की बात करते हैं तो जब भी कोई कलैमिटी आपकी वाइफ पे या आपके हस्बैंड पे आती है तो सो द स्पाउस इज़ सपोज टू स्टैंड बैक, टू स्टैंड बाय द पर्सन। लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं करता है, वो इनफैक्ट अपनी वाइफ को बोलता है कि वो उसके साथ नहीं रह पाएगा एंड विच आई फील इज़ बहुत ही वीक कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। तो काफ़ी मतलब ही इज़ नॉट समवन हुम आई वुड लाइक पर्सनली, मतलब हम कोई भी ऐसे बंदे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो कि अपनी वाइफ को ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्चर पे छोड़ दें। तो ऐसे टाइप का मेरा कैरेक्टर है। इट्स आई वुड से इट्स ऑब्वियसली नॉट अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ग्रे शेड टाइप का है इस बंदे में, बहुत ही सेल्फिश है, कोल्ड है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है। तो या दैट्स अबाउट माई कैरेक्टर। जैसे रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर काफ़ी वीक है जैसे आपने बताया, जी रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो तो आप कैसे स्टैंड लेंगे? रियल लाइफ में ऑब्वियसली मैं अपने 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 स्पाउस के साथ खड़ा रहूँगा एंड आई विल ट्राई टू यू नो बी विथ माई पार्टनर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। और ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ समथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट ह्यूमन थिंग टू डू। ह्यूमैनिटी यू नो काइंड ऑफ डिजर्व्स दैट मच कि आप मतलब अगर आपने किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए एक यू नो एक वाव लिया है, आपने यू हैव गॉट मैरिड टू अ पर्सन सो यू आर ऑब्वियसली सपोज टू स्टैंड बाय दैट पर्सन नो मैटर कैसे भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आए। तो अगर रियल लाइफ की बात है तो आई वुड ऑब्वियसली स्टैंड बाय माई पर्सन इन सच अ कैलामिटी। Talking about Matra, तो रवीना जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और how did you get this role? Actually, how I got this role, actually the associate director on the film recommended my name to the director Ashtar Sayyad. Ashtar actually है मेरे कॉलेज के बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे सीनियर रह चुके हैं and we've been in touch also since quite many years. लेकिन somehow Ashtar very honestly told me कि यार जब हम लोग इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे तो मेरे जहन में तेरा नाम आया ही नहीं इस कैरेक्टर के लिए, आई डोंट नो why. सो हिज असोसिएट काइंड ऑफ रिकमेंडेड माई नेम टू हिम एंड ही सेड कि यार ये तो दोस्त है अपना, इफ़ यू फील ही इज़ करेक्ट देन गेट हिम। एंड बस इट वॉज समथिंग विच वॉज डिसाइडेड ऑन अ फोन कॉल, मतलब मैं मिला भी नहीं हूँ, आई वॉज जस्ट ही जस्ट आस्क मी ये डेट्स पे तू फ्री है, दिल्ली 3-4 बार आना जाना होगा बिकॉज दिल्ली में फिल्म शूट कर रहे हैं, सो यू वॉन्ट टू डू इट, आई सेड ओके वंडरफुल। एंड जहाँ तक रवीना जी के साथ काम करने का ये था, आई वॉज क्वाइट इंटिमिडेटेड बाई हर प्रेजेंस, काफ़ी नर्वस था मैं पहले दिन जब उनके साथ मुझे सीन्स शूट करने थे और मेरे सीन्स फिल्म में ज़्यादातर उन्हीं के साथ हैं, तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, इंटिमिडेटेड था। लेकिन पहला सीन उनके साथ शूट करते ही शी मेड मी एंड द एंटायर टीम वेरी कंफर्टेबल, हम सब लोग इनफैक्ट काफ़ी उनके ऑ में थे, वी वर इंटिमिडेटेड बाय हर प्रेजेंस, तो उन्होंने हम सबको बहुत कंफर्टेबल करवाया, मुझे भी बहुत कंफर्टेबल करवाया एंड देन इट वाज एब्सोल्युटली अ केक वॉक शूटिंग फॉर द फिल्म। ओके रवीना जी जैसे काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, जी, है रह चुकी अपने टाइम पे भी और अभी भी है, जी, तो ऐसा कुछ स्पेशल चीज है जो आपको उनसे सीखने को मिला हो ऑन सेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? सीखने का तो मुझे यही मिला कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतना ज्यादा इंटरनलाइज कर लिया था कि शी वाज नॉट बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो एक्ट कर रही हैं। देखिए एक तरह से उनके लिए ये भी इट्स अ रोल विच इज़ वेरी क्लोज टू अवर हार्ट बिकॉज वो खुद एक मदर हैं एंड शी
आई थिंक समवेयर कुड आइडेंटिफाई विद द पेन व्हाट इट वुड बी लूजिंग अ चाइल्ड. तो इनफैक्ट जब हम हॉस्पिटल के सीन्स जब कर रहे थे तो शी एक्चुअली दो तीन बार ऐसा हुआ कि वो इतनी ज़्यादा चोकअप हो गई कि इनको मतलब शूट मतलब सीन उनको कट करना पड़ा बिकॉज सो दैट आई गॉट टू व्हाट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम हर इज़ दैट उन्होंने बहुत मतलब वो घुस गई थी पूरी तरह से कैरेक्टर में. एंड आई थिंक वही एक एक्टर का प्लस पॉइंट होता है कि आपको आप पर्सनली क्या हो आपको वो छोड़ देना है. यू हैव टू पुट इट इन अ बैग समवेयर एंड जस्ट लीव इट. एंड जब आप सेट पे हो तो आपको उस कैरेक्टर में बिल्कुल घुसना चाहिए और वही बात मैंने रवीना जी से सीखी है. ओके, यू आर वर्किंग इन फिल्म एज वेल एज टेलीविजन. यस, दोनों प्लेटफॉर्म को कैसे आप मैनेज करते हैं? बिकॉज टेलीविजन में काम करना इट्स नॉट ईजी बिकॉज बहुत घंटे आप पूरे दिन के देने पड़ते हैं उधर. जी एक्चुअली क्या है कि मैं दोनों में बैलेंस इसीलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज टीवी में मैं अभी कोई लीड्स नहीं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का ये मतलब होता है कि आपके इतने ज़्यादा दिन नहीं लिए जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेट वेर एज फाइनेंस इज़ आर कंसर्न्ड. बट ये है कि मैं इसीलिए बैलेंस कर पाता हूँ बिकॉज जो मैं कैरेक्टर्स कर रहा हूँ टीवी में वहाँ पे लाइक आई सेड बहुत सारे दिन नहीं लेते हैं. इवन द फिल्म्स दैट आई एम डूइंग ऑल कैरेक्टर ओरिएंटेड पार्ट्स, तो वहाँ पे भी इट्स नॉट लाइक अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट के दो महीने तीन महीने आपको देने हैं. फ्यू चंक्स में ये फिल्म्स शूट हो रही है, स्टार्ट टू फिनिश यूजुअली होती है, उसमें कुछ कुछ दिन हमें देने पड़ते हैं. तो आई थिंक फॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें ब्यूटिफुली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ. सो कितना डिफरेंस है टेलीविजन और फिल्म दोनों में काम करने का? टेलीविज़न में काम करना होता है आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ता है, आपको प्रेपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. लास्ट मिनट आपको स्क्रिप्ट्स मिलती है, अब कई बार ऐसे सीन्स आते हैं जिसमें आपके बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं लेकिन आपको प्रिपेयर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. सो यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम. इससे एज एन एक्टर आप बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हो, यू नो यू आई मीन. और इसका फ़ायदा मैं देखता हूँ जब मैं फिल्म्स करता हूँ वहाँ पे देर इज़ दिस कंफर्टेबिलिटी. आपको पता है कि इतने सारे दिन हैं आपके पास फिल्म शूट करने के, आपको पता है कि दिन में आपको एक या दो सीन्स ही शूट करने होते हैं. सो देर इज़ दैट काइंड ऑफ अ रिलैक्स्ड एटमोसफियर. ऑल्सो वहाँ पे एज एन एक्टर आपको अपने रोल पे प्रिपेयर करने का ज़्यादा टाइम मिलता है बिकॉज आपको बाउंड स्क्रिप्ट दी जाती है और आपको काफ़ी टाइम मिलता है कि आप अपने सीन्स बार बार पढ़ें, उसमें आपको जितने चेंजेस लाने हैं आप ला सके. सो दैट्स एन एडवांटेज दैट वन हैज़ वाइल डूइंग फिल्म्स. टीवी की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि टीवी की रीच बहुत बड़ी हो गई है. नाउ टीवी हैज़ बिकम अ वेरी वेरी बिग मीडियम. यस, फिल्म्स एक लार्जर देन लाइफ मीडियम है, बड़ा पर्दा हम बोलते हैं, 70 mm जो हम बोलते हैं. लेकिन फिल्म्स का अब ऐसा है कि फिल्म्स में आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे दो, लेकिन वो तभी जाके खरा उतरता है जब वो फिल्म चलती है. टीवी का ऐसा है कि टीवी बाय डिफ़ॉल्ट लोग देखते ही हैं और अनफॉर्चुनेटली आई एम डूइंग शोज विच आर डूइंग वेरी वेल, तो उसमें विजिबिलिटी बहुत रहती है. सो या आई थिंक दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड फिल्म्स. ओके, कमिंग बैक टू योर मूवी मात्र, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है जो जैसे आपने बताया है, तो क्या अवेयरनेस लाने वाली है? कुछ तो ऑडियंस को एक मैसेज मिलने वाला है इस मूवी के. जी, सेंसिटिव टॉपिक भी है और बहुत रेलेवेंट टॉपिक भी है. आजकल हम देखते हैं कि रेप एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत आम बात हो गई है हमारी सोसाइटी में. तो ये एक तरह से इट्स एन अवेकनिंग कॉल फॉर पीपल दैट ये जो कुछ भी हो रहा है अभी हमें मतलब इतना ईजिली इसको नहीं लेना है. वी हैव टू स्टैंड ऑन आर फीट. हमें मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए. सो वी हैव टू स्टैंड ऑन आर फीट. हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें लॉ को अपने हाथ में लेना चाहिए, बट आई थिंक वी नीड टू मेक आर सेल्व्स. हाँ, तो मतलब ये एक तरह से फिल्म आपको ये मैसेज दे रही है कि इट डजंट टेल यू दैट यू नीड टू टेक द लॉ इन योर हैंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही है. बट आई थिंक एज सिटीजन्स वी नीड टू बी मोर अवेयर. हमें मतलब हमें
वी हैव टू बी मोर फोकस्ड, और हमें इन चीज़ों को इस तरह से पुश करना है कि द लॉ वेक्स अप एंड डज समथिंग, ऐसे लॉज पास हो हमारी कंट्री में जिससे कि जो कि ये जो रेप्स वगैरह हो रहे हैं उनके मतलब जो जो क्रिमिनल्स हैं जो ये कर रहे हैं उनको इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि कोई दोबारा ऐसा क्राइम करने के बारे में सोचे नहीं, जो कि आई मीन बहुत सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है. मतलब इफ़ यू रीड यू विल कम टू नो के वहाँ पे जो रेप के जो क्रिमिनल्स होते हैं जो ये ऐसा घिनौना काम करते हैं उनको इतनी घिनौनी सज़ा दी जाती है, इतनी कड़ी सज़ा दी जाती है कि कोई हिम्मत नहीं करेगा दोबारा ऐसी सज़ा करने ऐसा काम करने के बारे में. तो आई थिंक समवेयर आर लॉज नीड टू गेट अ लिटिल स्ट्रिक्टर जिससे कि यू नो लोगों में ये भय आए, लोगों में ये डर आए कि भाई ऐसा करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा. सो आई थिंक दैट इज़ वन मैसेज विच द फिल्म रियली वॉन्ट्स टू पुट अक्रॉस, एंड आई थिंक ब्यूटिफुली इट हैज़ बिन पुट अक्रॉस इन दिस फिल्म. ओके, मात्रा बीइंग अ स्टोरी अबाउट अ वुमन, उसके ही लाइफ के अराउंड जा रहा है, इट इज टोटली वुमन ओरिएंटेड मूवी. तो इस मूवी में काम करने से मतलब डोंट यू फील कि आपका रोल ओवरशैडो हो गया है या वुमन ओरिएंटेड मूवी में काम करने का? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टीवी शोज टुडे आर वुमन ओरिएंटेड. हम टीवी शोज भी कर रहे हैं जिसमें औरतें ही ज़्यादातर फोकस में रहती हैं, उनके नाम पे सीरियल्स, उनके कैरेक्टर के नाम पे सीरियल्स बन रही है. जैसे कि मैं अभी ससुराल सिमर का कर रहा हूँ, तो लाइक द नेम सजेस्ट इट्स ससुराल सिमर का. तो अगर ऐसा सोचने जाए तो फिर तो आप बैठे रहोगे. तो आई डोंट थिंक लाइक दैट. मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि कैरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, फिल्म को कितना इम्पैक्ट करता है. यस, आई एम नॉट अ फूल टू जस्ट टेक अप एनी रोल लाइक दैट जहाँ पे जस्ट हमें ऐसे ही बैठना पड़े या खड़ा रहना पड़े बैकग्राउंड में. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एज फार एज द कैरेक्टर इज टेकिंग द फिल्म फॉरवर्ड, तो मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा डेफिनेटली रहना चाहूँगा. ओके, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? द मूवी इज अबाउट टू रिलीज. मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गो एंड वॉच मात्र, रिलीजिंग ऑन द 21st of April. प्लीज़ आप अपने नज़दीकी मल्टीप्लेक्स में जाइए, थिएटर्स में जाइए, फिल्म को देखिए, फिल्म को पसंद कीजिए. बहुत मेहनत की गई है इस फिल्म में, एंड ऑब्वियसली इट्स रवीना जीज़ कमबैक फिल्म, सो आई थिंक वी ओ इट टू हर टू गिव हर दैट वार्म वेलकम.